गिरिराज तलहटी में धूमधाम से निकली अक्षत कलश शोभायात्रा। मुरारी कुंज विद्या मंदिर में अक्षत कलश शोभायात्रा प्रारंभ के दौरान श्रीराम की आरती उतारे चेयरमैन प्रतिनिधि मनीष लंबरदार व अन्य। भगवान श्रीराम की भव्य छवि वाला रथ, ढोल की आवाज, शंखनाद और जय श्रीराम के नारे ऐसे हर्षोल्लास और राममय माहौल में गिरिराज तलहटी में मुरारी कुंज से भव्य मंगल अक्षत कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा में श्रीराम, हनुमान जी और मां काली की झांकी ने दर्शकों का मन मोह लिया। यात्रा का जगह जगह पुष्प बरसाकर भव्य स्वागत किया गया। यात्रा कस्बा के मुरारी कुंज सरस्वती विद्या मंदिर से प्रारंभ हुई और छोटी हवेली, लक्ष्मी नारायण मंदिर, बड़ा बाजार, हाथी दरवाजा, चेकलेश्वर, दसविसा, सांखट्टा होते हुए मुरारी कुंज सरस्वती विद्या मंदिर पर समापन हुआ। यात्रा में अक्षत कलश वितरित करते हुए निमंत्रण दिया। इस दौरान श्याम सुंदर उपाध्याय मंडल अध्यक्ष और चेयरमैन प्रतिनिधि मनीष लंबरदार ने बताया कि अयोध्या में होने वाले महाआयोजन में शामिल होने के लिए पूजित अक्षत शोभायात्रा निकालकर गांव गांव और घर घर तक आमंत्रण पहुंचाया रहा है। इस अवसर पर महंत सियाराम दास महाराज, गणेश पहलवान, खंड संचालक श्याम बाबू कौशिक, खंड कार्यवाह भानु, नगर कार्यवाह गोवर्धन राकेश शर्मा, जिला बौद्धिक प्रमुख बहादुर, जिला सह शारीरिक प्रमुख रामेश्वर, मनीष पूर्णानंद महाराज, ठाकुर फतेह सिंह, हेमंत शर्मा, सियाराम शर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष हिंदू परिषद बच्चू सिंह, नंदकिशोर कुंतल, ठाकुर हरभान, त्रिलोकी कौशिक बजरंगी, हरिशंकर मिश्रा, ऋषि चौधरी खंड संयोजक धर्म जागरण, सुशांत शर्मा, भाजपा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के स्वयंसेवक और कार्यकर्ता मौजूद रहे। गोवर्धन से तेजस शर्मा की खास रिपोर्ट।